क्लास 11 से क्वेश्चन नंबर 19 का बाकी पार्ट हम करेंगे। सारी एडजस्टमेंट्स हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, इसके बाद जितने भी बैलेंसेस हैं बेटा जिन पे एडजस्टमेंट नहीं थी हम उन्हें ट्रांसफर करेंगे। फर्स्ट वन इज कैश। कैश कहाँ आएगी? ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट 10,000। क्लियर। नेक्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक, इट इज ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक 41,300। देन वेजेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड। परचेजेस भी डेबिट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, अमाउंट आप लिखते जाना। रिटर्न इनवर्ड इट्स सेल्स रिटर्न, या तो आप सेल्स में से लेस कीजिए या ट्रेडिंग में डेबिट कीजिए। उसके बाद रिपेयर्स आपके पीएनएल अकाउंट में डेबिट होगी। बेटर्स हो चुका। इंटरेस्ट ऑन लोन, देखिए लोन आपको दे रखा है 20,000 का 12% रेट के साथ। देखिए 20,000 पे 12% की रेट से, और लोन कब लिया गया है? ऑन 1st जुलाई। तो कितने महीने का इंटरेस्ट बेटे यहाँ लगेगा? 9 months का, ठीक है। तो 9 months का इंटरेस्ट देखिए कितना हो जाएगा, 1800 टोटल इंटरेस्ट बनता है 9 months का। आप देखिए आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया गया है, 600 rupees। क्लियर। इसका मतलब 1200 जो है वो आउटस्टैंडिंग है। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखिए आप रेंट को कैसे करोगे, लोन पे ब्याज एक्सपेंडिचर होता है तो इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा 600 rupees आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, और टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 1800 होना चाहिए। क्लियर। तो बाकी का जो इंटरेस्ट है वो कैसा है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 1200। आउटस्टैंडिंग मीन्स जो पे नहीं किया गया है। एंड सेकेंड टाइम लोन है 20,000, इसमें ऐड कर दिया जाता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1200, तो 21,200 आप टोटल शो करें। क्लियर। नेक्स्ट बेटा आपको दिया गया सैलरीज आपकी 8,000 है, पी एंड एल अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। टू सैलरीज 8,000। देन इंश्योरेंस हो गया, चैरिटी डेबिट करेंगे, दान में दिया गया है टू चैरिटी डेबिट। उसके बाद रेंट आपका हो गया, मशीनरी हो गया, डेटर्स पेटेंट्स कॉपीराइट गुडविल, ये सभी रिकॉर्ड हो चुके हैं। सेल्स ट्रेडिंग होती है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि इनकम होती है सेल्स से। रिटर्न इट मीन्स ये परचेज रिटर्न है, ठीक है, तो परचेज रिटर्न को आप क्रेडिट करेंगे या परचेजेस में से लेस करेंगे, कोई भी ट्रीटमेंट हो सकता है। लोन हो चुका, क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी साइड में आते हैं क्रेडिटर्स। कैश डिस्काउंट, देखिए डिस्काउंट अगर क्रेडिट बैलेंसेस में गिवन है इट मीन्स डिस्काउंट रिसीव। क्लियर। वो इनकम है, अगर डेबिट में गिवन होता तो डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। क्रेडिट में इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय डिस्काउंट रिसीव। उसके बाद कैपिटल बेटा आपकी बैलेंस शीट में आती है, कैपिटल आपको दी है 68,900। क्लियर। सारे आइटम्स को ट्रांसफर कर चुके हैं। उसके बाद बेटा बैलेंसिंग की जाती है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, टोटल करेंगे उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस आए हैं उनको लेस करेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट का कम है तो बैलेंस क्या रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट 2GP, यहाँ डिफरेंस आएगा और टोटल करेंगे। और जीपी ट्रांसफर होता है ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जीपी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्टिंग की जाती है। हम यहाँ लिखेंगे बाय जीपी, क्या लिखेंगे, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। कहाँ से ट्रांसफर हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है। उसके बाद इनका टोटल करेंगे, सारे एक्सपेंडिचर का टोटल करेंगे। अगर ये टोटल हमारा ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो नेट प्रॉफिट। क्लियर। यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट। और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो इधर नेट लॉस आ जाता है। क्लियर। एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो क्या आएगा, नेट लॉस, कोई भी कंडीशन हो सकती है, उसके बाद क्लॉज किया जाएगा। उसके बाद ये जो ट्रांसफर होगा बेटा ये कैपिटल अकाउंट में होगा, यहाँ लिखा जाएगा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब अगर नेट प्रॉफिट है तो हम ऐड कर देंगे
ठीक है, और इसको यहाँ लिखेंगे, और अगर लॉस है तो माइनस करेंगे नेट लॉस। दोनों में से एक ही कंडीशन हो सकती है, या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। और उसके बाद बेटा बैलेंस शीट का टोटल किया जाएगा, और आपकी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए, दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। अगर आपकी बैलेंस शीट मैच करती है, इट मीन्स योर क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट ओके, ठीक है, ऑलमोस्ट राइट है। अगर आपकी बैलेंस शीट का टोटल मैच हो जाता है, अगर मैच नहीं होता, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं कोई एरर। ओके बेटा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।